हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। देश में मिले कोविड-19 के 33,376 नए मामले, 25,000 से अधिक केस केरल में हुए दर्ज। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 33,376 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32,198 लोग रिकवर हुए हैं। गौरतलब है कि 25,010 नए मामले केरल में दर्ज किए गए हैं, तो वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 4,42,317 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3,91,516 एक्टिव केस हैं। तालिबान बंद कर रहा है सरकारी अफसरों और नामी हस्तियों के बैंक खाते। जी हां, तालिबान सरकारी अफसरों और बड़ी हस्तियों के बैंक खाते पर ताला लगा रहा है। पिछली सरकार में कार्यरत रहे कुछ अधिकारियों के बैंक खाते बंद हुए हैं, हालांकि नाम उजागर नहीं हुए हैं। तालिबान ने बताया कि देश छोड़कर भागे कर्मचारियों के बैंक खाते बंद किए गए हैं। तो वहीं केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी का कहना है कि तालिबान केंद्रीय बैंक के धन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। UAE में 15 देशों के लोगों को टीके के प्रमाण पत्र के आधार पर यात्रा की छूट। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत समेत 15 देशों से WHO द्वारा प्रमाणित टीका लगवा चुके लोगों को वापसी का रास्ता साफ किया। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि 12 सितंबर से टीके की दोनों खुराक लगवा चुके लोग UAE आ सकते हैं। NCEMA ने कहा कि लोगों को वापसी से पहले अपने टीकाकरण के बारे में पूरी जानकारी ICA की वेबसाइट पर देनी होगी। कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लेंगे जो बाइडेन, 20 सितंबर से अमेरिकियनों को मिलेगा। जी हां, जो बाइडेन कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लेंगे, लेकिन उन्हें बस इस बात का इंतजार है कि बूस्टर डोज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए। आपको बता दें कि ये जानकारी शुक्रवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने दी। जेन साकी ने कहा कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वैक्सीन की बूस्टर डोज व्यापक स्तर पर उपलब्ध नहीं हो जाती, और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही हो जाएगा। जियोफोन नेक्स्ट एडवांस ट्रायल में दिवाली से पहले फेस्टिवल सीजन रोल आउट होगा शुरू। जी हां, जियो ने सीमित यूजर्स के साथ जियोफोन नेक्स्ट का परीक्षण शुरू कर दिया है, और दीपावली त्योहारी सीजन के लिए इसे अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से काम चल रहा है। जियो और गूगल ने जियोफोन नेक्स्ट को साथ मिलकर डिजाइन किया है, और ये भारत के लिए बनाया गया नया स्मार्टफोन है। उत्तर प्रदेश भाजपा पीएम मोदी के जन्मदिन के लिए 20 दिवसीय समारोह करेगी शुरू। जी हां, यूपी में भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीति में 20 साल पूरा होने के उपलक्ष में 17 सितंबर से 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान शुरू करेगी, जो उनका 71वां जन्मदिन भी है। पार्टी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक राज्य भर में स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता और टीकाकरण अभियान के अलावा पर्यावरण संरक्षण अभियान भी आयोजित करेगी। तालिबान का शपथ ग्रहण समारोह 9/11 की बरसी पर होने की संभावना नहीं। जी हां, तालिबान के 9/11 अमेरिकी आतंकी हमलों की 20वीं बरसी पर अफगानिस्तान की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की संभावना नहीं है। 11 सितंबर के हमले, जिन्हें अक्सर 9/11 के रूप में संदर्भित किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ इस्लामी आतंकवादी समूह अल कायदा द्वारा 4 आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला थी। उत्तराखंड के जोशी मठ में आया 4.6 तीव्रता का भूकंप। जी हां, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि आज शनिवार सुबह करीब 5:58 पर उत्तराखंड के 31 किलोमीटर WSW जोशी मठ में 4.6 तीव्रता के भूकंप ने सबको हिलाकर रख दिया। भूकंप से किसी भी तरह का नुकसान या कोई भी संपत्ति की हानि का अब तक पता नहीं चला है। आसपास के राज्यों पर भी भूकंप का असर हुआ है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।